नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं विनय कुमार। अभी हम मौजूद हैं आरा जिले के शाहपुर प्रखंड में। हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं जो दो बार जिला परिषद का सदस्य रह चुके हैं और तीसरे बार यानी इलेक्शन नहीं लड़के उन्होंने विधायक के पद पर अपना नॉमिनेशन देकर फाइट किए थे, और वो भी निर्दलीय, और उस विधायक में भी यानी एमएलए निर्वाचन में भी उनका चौथा पोजीशन था। हमारे साथ वो प्रत्याशी भी मौजूद हैं और प्रत्याशी के साथ यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं, यहाँ उनके समर्थक भी मौजूद हैं। नाम उन प्रत्याशी का है पंडित गंगाधर पांडे। दो बार जिला परिषद यानी 2006 से 2011 और 2011 से 2016 तक इन्होंने अपने क्षेत्र में समाज सेवा की, और अब की बार फिर से जिला परिषद में नामांकन देकर अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि पिछले दो टर्म उनका क्या योगदान रहा अपने क्षेत्र में, और इस बार जो वो खड़े हैं उनका क्या मोटिव है, क्यों खड़े हैं और जनता उनको क्यों वोट देगी। सबसे पहले स्वागत है सर अखंड भारत में। आप अपना परिचय और मेरे अखंड भारत के दर्शक को, और परिचय के साथ पहला वो दो टर्म आपका कैसा रहा ये भी बताएं। जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं पंडित गंगाधर पांडे, शाहपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 के तमाम मतदाता बंधुओं का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना और विनती करना चाहूँगा अपने क्षेत्र के तमाम मतदातागण से, मुझे ईवीएम बक्से के 3 नंबर क्रमांक 3 पर लेटर बॉक्स छाप पर बटन दबा करके विजयी बनावें और पुनः जिला परिषद पूरे भोजपुर में शाहपुर पूर्वी क्षेत्र की खोई हुई मान सम्मान प्रतिष्ठा को, गौरवशाली अतीत को वापस लाने का आप लोग काम करें। आप दो बार सदस्य रह चुके हैं, कुछ ऐसा काम जो कि जिस पर आपको जनता वोट करेगी? देखिए, यह पंचायती राज व्यवस्था है, यह सरकार का निर्माण नहीं होता है इस चुनाव से। भारत सरकार राज्य सरकार का निर्वाचन माननीय सांसद और एमएलए के बीच से होता है। सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन धरातल पर हो, तो हमारे कार्यकाल में हम शासन प्रशासन और आम जनता के बीच जो एक बड़ी खाई थी या पाट दिए थे, हम शिविर लगा करके हर पंचायत में शिविर लगा करके जितनी जनहित की योजनाएं थी उनका हम क्रियान्वयन कराते थे, और निश्चित रूप से हर महीने में हर टोले कस्बे गांव में जा करके आम जनता की समस्याओं से रूबरू होते थे, और अपना पकड़ अपना मजबूत दबदबा हम कायम रखते थे प्रशासन और पदाधिकारी के बीच में कि जनता का के साथ अन्याय न हो, अत्याचार न हो। कोई निरीह जनता जो गांव में अंतिम पायदान पर खड़ी है, जनता जो हमारी माताएं बहनें मजदूर गरीब किसान गांव में बसते हैं, इनका शोषण और दमन नहीं हो। मैं एकदम उनकी अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन बीच में मैं सोचा कि अब लगातार चुनाव जीतना किसी दूसरे को मौका दिया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के चुनाव लड़े, तो यह जनरल सीट था हम छोड़ दिए, और जनता से हमने कहा कि मुझसे बेहतर, मुझसे पढ़ा लिखा, मुझसे ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति को आप लोग चुनाव जिता करके अपने पास रखिए कि आपका विकास हो। हम अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगते हैं। मैंने विधानसभा चुनाव में नामांकन किया, जनता के बीच आग्रह विनती किया, जनता ने मुझे नकार दिया, और एक अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज की मैंने निर्दलीय प्रत्याशी होकर के भी। चुनाव हारने के बाद मैं सोचा कि जनता के बीच रहना जरूरी है और जनता की सेवा करना जरूरी है। जनता यहाँ मेरे जिला परिषद नहीं रहने के बाद अनाथ हो गई थी, गरीब गुरबा किसान जाति पाति भेदभाव में तमाम लोग बट गए थे, तो मेरा
या एक शौक है कि मैं जाति पाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके सभी गांव गवई में कस्बे में रहने वाले गरीब मजदूर किसान के हित की मैं काम करूं और उनके घर तक अपने चल करके गरीब किसानों के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं को मैं पहुंचाने का काम करूं, यही मेरी सोच है। आपने सुना पंडित श्री गंगाधर पांडे जी का कि पिछले दो बार जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं, एक बार विधायक की लड़ाई भी लड़ चुके हैं, वो भी निर्दलीय। यहाँ पार्टी पर वोट होता है बिहार में, यहाँ जदयू बीजेपी आरजेडी यही तीन पार्टी है जिस पार्टी विशेष पर लोग वोट करते हैं, लेकिन एक निर्दलीय पार्टी रह निर्दलीय प्रत्याशी रहकर और चौथा पोजीशन पर आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनका यही कहना है कि मैं यहाँ जात पात से ऊपर उठकर हम गरीबों के बीच हमेशा बना रहूं, इसी के लिए मैं खड़ा रहा हूं। एक सवाल और है इनसे कि इनको निशान भी मिल गया है और निशान के साथ आप एक पंचवर्षीय बीच में गैप रहे हैं, गैप के साथ आप अपने वोटर से अपील क्या करेंगे, किस बात पर आपको वोट देगी, ये लास्ट सवाल है सर। और क्रमांक क्या है और क्या अपील करेंगे, किस पॉइंट पर आप अपील करेंगे? आपके माध्यम से मैं अपने मतदाता बंधुओं से आग्रह करना चाहूंगा कि दिनांक 12 दिसंबर को रविवार दिन है, रविवार को अपना सभी कार्य पिछले दिन शनिवार को ही पूरा कर लें और रविवार के दिन प्रातः 7 बजे अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर के 6 पद का चुनाव हो रहा है, 4 बक्सा लगे रहेंगे, लाल कूट वाले घेरा में जो ईवीएम मशीन रखा रहेगा उस घेरा में ऊपर से 3रे नंबर पर क्रमांक 3 पर गंगाधर पांडे चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स छाप यानी चिट्ठी डालने वाला बक्सा, चिट्ठी डालने वाला बक्सा के बाद वाला बटन दबा करके गंगाधर पांडे को आशीर्वाद दिया जाए, यही मेरा पुरजोर आग्रह होगा, निवेदन होगा जनता से। यह थे पंडित गंगाधर पांडे, उनका अपील है कि प्रत्याशी मेरे क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं सब इनके क्रमांक संख्या 3 पर यानी जो लेटर बॉक्स है उनको दबाने की अपील कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 12 तारीख इलेक्शन के दिन और मतगणना के दिन क्या होता है, यह तो समय बताएगा। फिर अगले प्रत्याशी के साथ हम आपको मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।